हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वेबनोटेक। इस वीडियो में जानेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर मीडिया सेटिंग की जो इमेज साइज़ है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो हमने बनाई है। इसमें जानेंगे कि जो इमेज साइज होता है, थंबनेल साइज हो गया या फिर मीडिया साइज हो गया, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद अब क्लिक करते हैं सेटिंग में जाने के बाद मीडिया। जो भी फाइल्स आपकी अपलोड होती हैं वो मीडिया के अंदर अपलोड होती हैं। जो उनका इमेज का साइज़ होता है, थंबनेल साइज़ हो, मीडियम साइज़ हो या लार्ज साइज़ हो, वो साइज़ आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब भी आप वो यूज़ करेंगे आप पोस्ट के अंदर, तो उनका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप दे रखा है मैक्सिमम डायमेंशन कितना है और छोटा साइज़ कितना है। तो थंबनेल का साइज़ देख रहे हैं आप, विड्थ और हाइट दे रखी है। तो हम यहाँ पर 150 की जगह 200 करते हैं। विथ और हाइट और मीडियम साइज़ में हम 500 करते हैं और लार्ज साइज़ में हम इतना ही रहने देते हैं, 1024 मैक्सिमम साइज़। ये आप सेटिंग कर लें। जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज का साइज़ होना चाहिए। तो ये आप करने के बाद, जब आप कर लेंगे दोनों चीज़ें, तीनों ऑप्शंस कर लेंगे, करने के बाद आप नीचे जाएंगे। इसमें एक फर्स्ट जो ऑप्शन है थंबनेल वाला, यहाँ पे दे रखा है कि क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन नॉर्मली, थंबनेल आर प्रोपोर्शनल। जब भी आप थंबनेल साइज लगाएंगे तो आप क्रॉप करना चाहेंगे तो वो आप एग्जैक्ट डायमेंशन में कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड फाइल्स, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इन टू द मंथ एंड ईयर। आपकी जितनी फाइल्स होंगी वो ऑर्गेनाइज करेगा मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग, मीडिया लाइब्रेरी के बाद। उसके बाद आप सेव एज, सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी वेबसाइट के लिए। अब डैशबोर्ड पे हम जाते हैं तो ये आपकी जो सेटिंग है, मीडिया सेटिंग, वो कंप्लीट हो गई है। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।